हो गई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा अपन को खुद ही प्रमोट नहीं करना, अपन खुद ही नहीं बोलते कभी लाइव। ओके तो अभी हम आ गए हैं कटनी के बाहर, आउटर में एक प्रॉपर्टी है वहाँ पर रुके हुए हैं और गाड़ी हमारी वहाँ पार्क है। ये कटनी के रोड साइड पर ही है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है ये राइड पर। तो अभी हम लोग बहुत आराम आराम से निकले हैं, आज का डेस्टिनेशन थोड़ा पास रखा है जो कि बनारस है। और अभी ये जो प्रॉपर्टी है इसमें देखिए यहाँ पर कौन वेट कर रहा है, ये है हमारा भाई तुषार के। अगर आप नहीं जानते तो पुरानी राइड्स हमने की हुई है साथ में, वो है माना राइड, यादगार राइड थी वो भी, और ये वाली राइड भी यादगार होने वाली है। फिलहाल तो हमने यहाँ पर बैठ के पराठे का ऑर्डर दिया है, तो पराठा और दही खाने के बाद और एक स्टिंग पीने के बाद एनर्जी चार्ज करने के बाद यहाँ से निकला जाएगा। फिलहाल हम लोग इंटरकॉम पर खूब सारी बातें करते हुए चल रहे हैं ताकि बोरियत महसूस ना हो। कोई पराठा आने वाला, उसको खाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर मिलते हैं आपसे रोड। और ये देख लो हम लोगों का पराठा आ गया है। मेरे घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि भाई मैं पराठे कैसे खाता पीता हूँ। ये देख लो, ये पराठे रखे हैं, स्टिंग रखा हुआ है और उसको खाने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और हम आ गए हैं मैहर, अभी टाइम हो रहा है 10:13 और 45°C टेम्परेचर है। हम लोग अभी तक जबलपुर से 161 आ चुके हैं, ये यहाँ से मैहर के लिए चाहते हैं हम लोग। मैहर की देवी का मंदिर उस तरफ है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मैहर। और भाई साहब गर्मी तो मतलब टावर तोड़ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम जो हैं टावर तोड़ चले आ रहे हैं रोड के ऊपर तुषार भाई से बातें करते हुए। इंटरकॉम पे कनेक्टेड हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी नाश्ता करने के बाद जो निकले हैं तो बस बस कभी रुक लो, कभी चल लो, कभी खड़े हो जाओ, कभी बैठ लो, बस यही चल रहा है रोड पर। बाकी तो क्या यार, मौसम तो मौसम नहीं है, उम्मीद थी कि कुछ बादल मिलेंगे, हाँ दूर दिख रहे हैं बादल, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी छाँव नहीं है। खैर मज़ा उसी का ही है, थोड़ा सा आपको राइडर ईगो रखना पड़ता है अपने पास कि आप राइडर हैं, आपको गर्मी बरसात और ठंड का असर नहीं होता, ऐसा अपना दिमाग में आपको ईगो बनाना पड़ेगा, वरना आप राइड नहीं कर पाओगे। अगर ये ईगो आपके साथ चल रहा है तो आप राइडर हो, और अगर आपके साथ ये ईगो नहीं है तो आप राइडर नहीं हो। क्योंकि बरसात तो रहेगी, धूप भी रहेगी, सर्दी भी रहेगी, मौसम की मार तो रहेगी, पर साथ अगर चल सको तो चलो। और तुषार भाई के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तुषार भाई बार बार कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहे हैं। ओके तो ये एक छोटा सा स्टॉप था, यहाँ पे हमने छाछ पी है तुषार भाई और मैंने। गाड़ी यहाँ पे पार्क करने को सही शेड मिल गया था, इसका नाम कुछ तो भी अच्छा सा रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ है। रीवा से कुछ समझ लो 10 किलोमीटर ही आए आगे तो ये आपको ऑन द वे मिल जाएगा, अगर आपको रुकना है तो वर्थ है। बता दो क्या नाम है इसका? और हाँ तो इसका नाम है सेलिब्रेशन गार्डन। जगह अच्छी है, ठीक है, छाछ का स्वाद भी ठीक था, बाकी तो बढ़िया। 250 किलोमीटर हो गए हैं। करंट अपडेट यह है कि 12 बज गए हैं और अभी टेम्परेचर हो रहा है 44°C और ये हमारा 4 लेन यहाँ पर चालू है अभी तक। चलो फिर, गर्मी तो है अब लगेगी ही, गर्मी का मौसम घूमने के लिए बना है, घूमो। गर्मी के डर से घर में बैठने का नहीं, गर्मी के डर से बाहर निकलने का। तो NS30 पकड़ा हुआ है, कई बार इस रोड को क्रॉस किया हुआ है। आज हम जा रहे हैं बनारस की तरफ, और अगर थोड़ा सा और अगर आप जाएंगे इसी फ्लाईओवर को आप स्किप करके नीचे से जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इलाहाबाद वाला रास्ता। बट लास्ट टाइम जब मैं नेपाल गया था तो मैंने इलाहाबाद वहाँ से कवर किया था, और अभी तो हम इसी रूट को पकड़े बनारस पहुँचेंगे आज। 22,600 किलोमीटर, टेम्परेचर 45°C और 12 बज चुके हैं। ओहो हो, तुषार भाई बोल रहे हैं कि उनको 600 किलोमीटर हो गए हैं और हमें हुए हैं 250 किलोमीटर। कोई नहीं कोई नहीं तुषार, अपने दोबारा इक्वलाइज हो जाएंगे, जब मैं गुना से वापस लौटूंगा तब वापस हो जाएंगे। और क्विक अपडेट यह है कि हम UP में एंटर कर चुके हैं। ये है रीवा हनुमना का इंटीग्रेटेड पोस्ट जिसको हमने क्रॉस किया अभी अभी। टाइम अपडेट है 1:14 और 46°C यहाँ का टेम्परेचर है। बीच में तो टेम्परेचर 47 चला गया था हमने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पानी नहीं पिया है। हाइड्रेशन बैग अगर है तो पानी बहुत मस्ट है यार आपके लिए।
और अभी मेरी गाड़ी में फ्यूल रिजर्व लग चुका है। मुझे लग रहा है कि मेरी गाड़ी शायद 40 का एवरेज दे रही है अचानक से, पता नहीं कैसे, क्योंकि कल मैंने भरवाया था यार 11.78 लीटर भरवाया, और तब मेरी गाड़ी में रिजर्व के बाद 100 किलोमीटर को चल गई थी, फिर रीसेट किया मैंने, तो अभी 320 पे लगाए रिजर्व। अब ये 100 किलोमीटर चलेगी तब पता लग गया कि कितनी चली 11 लीटर में, पर मुझे लग रहा है कि 35 से ऊपर का एवरेज चल रहा है। सही बात है, बाकी तो ठीक है। अब मिलते हैं आपसे बनारस में, अभी बनारस पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि बनारस यहाँ से 150 किलोमीटर है और जिसको कवर करने में हमें तकरीबन 2 घंटे लगना चाहिए अगर हम सही समझ रहे हैं तो, 80 के स्पीड से आएंगे। अब आ रहा है मेरा फेवरेट पार्ट इस पूरे रूट का, क्योंकि यहाँ पर है आपका घाट सेक्शन। और भाई साहब ये जो घाट सेक्शन है तुषार भाई, ये अभी अभी बना है, मतलब कुछ सालों पहले तो यहाँ पर 6-6 फीट के गड्ढे थे। हाँ, लेकिन ये बहुत प्यारी जगह है। ये देखो आप अपने राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हो, हाँ ये विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है पूरी। अपने पास इसका हर सीज़न का फ़ोटो है यार, बरसात का भी है, ठंड का भी है और गर्मी का भी है। एक अपने स्पॉट है, यही वाला स्पॉट है, यहाँ पे अपन फोटो खिंचवाते हैं राइट हैंड साइड पर। नहीं 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 आगे, वो तो बताया हम लौटते में खिंचवाते हैं, बाकी तो अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे आगे रोड पर। रिकॉर्डिंग स्टार्ट, और अभी हम बनारस पहुंचने वाले हैं। यहां से बनारस दिखा रहे 72 किलोमीटर, औरंगाबाद बिहार दिखा रहा है 213 किलोमीटर, आसनसोल है 514 किलोमीटर, कोलकाता है 723 किलोमीटर, मिर्जापुर क्रॉस करते हुए। और अभी हम दोनों की बहुत जमके जो है पसीना पसीना हो गई है, तो हम दोनों खड़े होकर गाड़ी चला रहे हैं। और ये देखिए तुषार भाई का, तुषार भाई पहले हैं जो एवेंजर में खड़े हुए चला रहे हैं क्रूज बाइक पे स्टंट मारते हुए, कुछ तुषार खेर। फिलहाल अपडेट इतना ही है, और अभी टेम्परेचर जो है, टाइमिंग जो है वो बता देता हूँ आपको, 2:20 हो गया है, टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस। कुछ ही क्षणों के पश्चात हम होंगे बनारस, विश्व के सबसे पुराने शहर में, पूरे विश्व में सबसे पुराना शहर है बनारस काशी, वहाँ जा रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। गर्मी पड़ रही है तेज और भूख लग रही है बहुत ही तेज, खाना भी खाना। और सामने से देखिए किस तरीके से कार को मोड़ते हुए बहुत शानदार तरीके से इन्होंने कलाइयों को उपयोग किया। और ये देखिए रिवर्स मारेंगे अब, और बिना देखे मारेंगे, देख लिया, अंधे लोग हैं अंधे लोग, एवरीबडी इज इडियट ऑन द रोड, क्या पता। भैया फोटो, अच्छा भैया ले लो, नहीं लेना नहीं, खिंचवा लो, अब तो माला चढ़ने वाली है। जय गंगा भैया, और हो गई है यहाँ पे बनारस की स्टार्टिंग तुषार भाई बोल रहे थे कि इसको ऐसा डायलॉग मारो तब जाके ये गोप्रो स्टार्ट होगा, और जैसे ही तुषार भाई ने बोला और वो स्टार्ट हो गया वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। विश्वनाथ ये नगरी में आ गए हैं हम लोग, और मैं तो दोबारा आ गया हूँ, तुषार भाई शायद पहली बार आ रहे हैं, क्यों तुषार भाई? फर्स्ट टाइम, चलो मस्त है यार, मस्त अल्टीमेट लग रहा है अभी से देख के, और फीलिंग आ रही है कि भाई लोग वो घाट दिख रहे हैं सामने, और मंदिर भी यहीं कहीं हैं, दिख नहीं रहा है बस, बाकी तो मस्त है यार। नर्मदा की नगरी से और गंगा जल की नगरी तक तुम्हें कैसा लग रहा है तुषार भाई? ग्रेट, ग्रेट। और दिन में जो पसीना बहाया अपन ने वो अलग है, क्यों? वो तो मेहनत है, सही बात है।
चलो फिर, अभी तो होटल ढूंढने का काम हमें करना है, इस बार हमने बुकिंग नहीं की है, तो होटल वोटल ढूंढेंगे और उसके बाद रिलैक्स करके फिर शाम को आपको मिलेंगे। देखते हैं, अभी कुछ प्लान नहीं किया है कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, वो देखते हैं। अभी आगे आके पता लगेगा, तो जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे हम लोग प्लान करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बट अल्टीमेट है, अल्टीमेट सब कुछ एक साल जैसा ही है। नमो घाट लिखा है यहाँ पे, नरेंद्र मोदी घाट यही है क्या? चलो फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो अभी शाम के बज रहे हैं करीबन करीबन 5:15 और हम बैठे हुए हैं काल भैरव मंदिर के सामने। तुषार भाई लाइन में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों ने होटल ढूंढ लिया, नहा लिया, धो लिया, जैसे कुछ खाना नहीं खाया था, काफ़ी लेट हो गया, तो इस चक्कर में हम लोगों ने खाना अभी स्किप हो गया गलती से, जैसे भी हुआ, लेकिन अभी होटल अच्छा मिल गया है और ठीक है, मतलब रात में रुकने के लिए उससे सफिशियंट ही है। अब इसके बाद अपन क्या करने वाले, इसके बाद अपन जाएंगे यहाँ से काशी विश्वनाथ और वहाँ पे आके दर्शन करेंगे। वहाँ पे कैमरा अलाउड है नहीं, तो ये सेकंड टाइम होगा जब मैं काशी विश्वनाथ जाके दर्शन करूँगा, तो मिलता हूँ आपसे अब थोड़ी देर में। और अब ये गंगा आरती का दृश्य चल रहा है, गंगा आरती अब स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। वो सामने मणिकर्णिका घाट जिसपे एक जीवन का अंत हो रहा है और यहाँ पर एक नई यात्रा शुरुआत हो रही है। ये कुछ पीछे से दिखता है अपना हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर, ये उसका बैक व्यू है और सामने वहाँ आरती चल रही थी। सो दिस इज़ द होल व्यू, द होल ऑसम व्यू। ओके, तो आ गए हैं रूम में और ये है हमारा छोटा सा रूम। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इसने मैं चार्ज किया 2000 रुपये। वैसे ही गेस्ट हाउस है, मैंने ऑनलाइन देखा था तो गेस्ट हाउस कुछ 500-600 रुपये के थे, लेकिन हमारी अटकी पड़ी थी तो हमने कहा ले लो और ख़त्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पार्किंग, वो इसके पास थी, मतलब उतनी अच्छी तो नहीं है बट हाँ ठीक है कि एडवाइजेबल रिकमेंडेबल है कि हम कर सकते हैं पार्किंग। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर AC लगा हुआ है और तुषार भाई को बेड मिला हुआ है, हमारे बेड अलग होने चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। बस अब इसी के साथ खाना पीना हो गया है, रात के अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 9:30 के आसपास, अभी हो गया है सोने का वक्त। पैकिंग वैकिंग करके फटाक से अभी सुबह निकलने का है, क्योंकि सुबह जो है कल बहुत रोमांचक दिन होने वाला है, लंबा दिन होने वाला है, स्ट्रेसफुल दिन रहेगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने देखा कि रास्ते में शायद टेम्परेचर अच्छा होने वाला है तो शायद मज़ा आ जाए ट्रिप पर, देखते हैं। बाकी तो तुषार भाई रेडी है क्या सुबह चलने के लिए? चलना नहीं है, कल दौड़ना है, कल तो अपन उड़ने वाले बाबा। चलो इसी के साथ मैं करता हूँ व्लॉग को, आज का दिन यहाँ पर एंड हुआ। काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए, काल भैरव के भी दर्शन हो गए और हम लोग थोड़ा घाट के दर्शन भी करके आ गए, सब कुछ हो गया एक दिन के अंदर। बस एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक था इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए, वरना मेरा तो मूड था कि थोड़ा सा और आगे रुकते, बट मैंने कहा ठीक है बनारस स्टॉप लो, आगे चलते जाएंगे तो चलते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे कल सुबह, फिर आएगा मज़ा। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।